हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल मिडिल लाइफ। मैं हूं इसके मासूद और आज बताने वाला हूं आईटी मैक 200 कैप्सूल के बारे में, जो कि फंगल इन्फेक्शनों में यूज किया जाते है और भी कंडीशनों में इसको यूज किया जाते है। आगे बताने वाला हूं इस टैबलेट को यूज कैसे करें, इसका साइड इफेक्ट बेनिफिट क्या है, इसका इंग्रेडिएंट्स MRP क्या है, पूरा बताने वाला हूँ। और आप इस चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते बेल आइकन भी बजा देना। आईटी मैक 200 कैप्सूल मैकलाइट कंपनी ने मैन्युफैक्चर करती है। मैकलाइट बहुत ही बेहतरीन कंपनी से एक है। 1 स्टीम में 8 टैबलेट आती है। इसका जो MRP है 207, बहुत ही महंगा है बट बेहतरीन कैप्सूल है फंगल इन्फेक्शन के लिए। और इसका जो इंग्रेडिएंट्स है इट्राकोनाजॉल 200 mg। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकती हो या ऑनलाइन में भी परचेस कर सकती हो, सभी में अवेलेबल है। आप जानते हैं डॉक्टर किन किन कंडीशनों में इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करती है। मेनली इसको फंगल इन्फेक्शन में या स्किन इन्फेक्शनों में यूज किया जाती है। फंगल इन्फेक्शन मतलब स्किन में बहुत ज्यादा खुजली होने की वजह से रैशेस पड़ जाती है या दाने दाने निकलने लगती है, उस दाने में सूजन होती है या दर्द होती है, या किसी किसी पेशेंट को लाल लाल चक्कते भाव आ जाती है या सफेद होने लगती है, उस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। या आपका नाखूनों में सड़ने लग दिए, नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन की वजह से दिन ब दिन खराब होने लग दिए, उसमें भी इसको यूज किया जाते है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलती है। या आपका किसी भी बॉडी का पार्ट में फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, इसमें यूज किया जाते है। और आपका प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हुआ हो, लड़की या लड़को किसी भी प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हुआ हो, बहुत ज़्यादा इचिंग या खुजली हो रही है या रेडनेस हो रही है, उसमें भी इसको यूज किया जाते है और अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है इट्राकोनाजॉल, ये फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसको 1 या 2 महीने तक इसको यूज करने से तब भी अच्छी रिजल्ट मिलती है। आपका स्किन में इन्फेक्शन हुआ है, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है या स्किन में रेडनेस हुआ है, उसमें भी इसको यूज किया जाते है। बहुत ज्यादा खुजली होती है आपका स्किन में, उसमें भी इसको यूज किया जाते है। या आपका कुछ मेडिसिन लेकर एलर्जी रिएक्शन हुआ है, उसमें भी इसको यूज किया जाते है, बट उसमें इसको यूज ना करे तो बेहतर है। सिर्फ लिवोसेटिजिन ले सकती है आप, उसमें अच्छे बेहतर रिजल्ट मिलेगी। इन सारे कंडीशनों में इस टैबलेट को यूज किया जाते है। अब जान लेते हैं इसका साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट जानना बहुत ही जरूरी है। साइड इफेक्ट ज्यादातर कुछ दिखाई नहीं देती है, जो नॉर्मली रियर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो आपका स्किन में रेडनेस बढ़ जाना या इचिंग बढ़ जाना या पेट में गैस हो सकती है, वोमिटिंग या डायरिया हो सकती है। कुछ भी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए और तब तक के लिए इस टैबलेट को यूज करना बंद रखिए। और आप जान लेते हैं इसका डोज लेने की सही तरीका। डोज लेने से पहले अपने डॉक्टर के पास जरूर सलाह लेना है, उसके बाद ही इसको यूज करें। एडल्ट लोगों को दिन में 1 बार खाना खाने के बाद देती है। ये बच्चे लोगों के लिए एक कैप्सूल नहीं है, दिन में 1 बार ले सकती है एडल्ट लोग खाना खाने के बाद। ये रहा आईटी मैक 200 कैप्सूल की फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और आईटी मैक कैप्सूल की कोई भी डाउट और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकती हो। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग वीडियो डिजिटल मेडिलाइफ।